हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यंगर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अपकमिंग बैंक नोटिफिकेशन के बारे में। पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, बात करो इस बैंक के बारे में। इस बैंक का नोटिफिकेशन हर साल आता है और उसमें 1000+ वैकेंसी जो है हर साल आपको देखने को इसमें मिलती है, ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी बात है, इसमें ओनली सिंगल एग्जाम होता है, ओनली एक ही एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई मेंस नहीं होता, सिंगल एग्जाम प्री का एग्जाम होता है समझ लो। और उस एग्जाम को अगर आपने क्लियर कर लिया तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाता है। इसमें आपका जो है कोई भी LPT नहीं होता, कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें नहीं होता है। इसको क्वालिफाई करना बहुत ही इजी है और एक बिगिनर के लिए, ठीक है, एक बिगिनर के लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्जाम में आप इसको क्वालिफाई कर पाए। सैलरी भी इसमें आपकी काफी अच्छी होती है। सो इस नोटिफिकेशन का नाम है IDBI एग्जीक्यूटिव का। IDBI एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ 200 जनरल का आप देख सकते हैं 116 नंबर का कट ऑफ गया था, इसके भी 116.25 नंबर आए थे, उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। बाकी अदर कैटेगरी का भी आप कट ऑफ देख सकते हैं और वेटिंग लिस्ट का भी कट ऑफ देख सकते हैं, बाकी सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। IDBI एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे आप देख सकते हैं तो चार सेक्शन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और DI। इसके 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क के लिए, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस इसमें आप देख सकते हैं 60 क्वेश्चन 60 मार्क होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क इसमें होते हैं। 120 मिनट का आपको समय मिलता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। बस यही इसका एग्जाम पैटर्न होता है, आप इजिली इसको क्लियर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो। और जैसे आप इस बैंक में 3 साल कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, जैसे इस बैंक में आप 3 साल कंप्लीट करते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। दूसरे एक इम्पोर्टेंट बात, IDBI एग्जीक्यूटिव का जो लोकेशन होता है, जॉब लोकेशन, वो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिल सकता है, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आपको इसका जॉब लोकेशन मिल सकता है, क्योंकि काफी लोगों को जो है उनके ही डिस्ट्रिक्ट में इसका जॉब लोकेशन दिया। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपको घर के पास पोस्टिंग मिल रही है, अच्छी खासी वैकेंसी भी इसमें आती है, 1000+ वैकेंसी आई थी 2022 में, और एक बिगिनर के लिए शुरुआती करियर में आपके लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। और अगर आपने 3 साल यहाँ पे बिता दिया, उसके बाद एक इंटरनल एग्जाम होता है, उसको आपने क्वालिफाई कर लिया, तो यहाँ पे आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे IDBI बैंक में, और उसकी सैलरी आपको तो पता है बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल PO के से काफी ज्यादा उसकी सैलरी होती है। तो इसलिए इस बार आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ जो है 50% के आसपास इसका कट ऑफ जाता है, तो इसके लिए अभी से इसका प्रिपरेशन करिए, अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए, तभी इसका जो है क्लियर हो सकता है एग्जाम। क्योंकि यहाँ पे आपको ना LPT देना है, ना यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट है, आपका टाइपिंग टेस्ट कुछ नहीं है, ना यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, डायरेक्ट एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है, सिंगल एग्जाम। तो इसलिए जितने भी लोग जो है काफी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं IBPS और अन्य एग्जाम के लिए, तो इस पे आपको पहले फोकस करना है। इसमें आप सबसे पहले सिलेक्शन लीजिए और फिर सिलेक्शन लेने के बाद आप अन्य बैंक की प्रिपरेशन करिएगा, ओके। और अगर आपका कहीं और क्लियर नहीं भी हुआ है तो इसी बैंक में आप 3 साल काम करके जो है असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब होती है। सो इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, डेफिनेटली आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके अभी से आप इसका स्टार्ट कर दो। बट इस जॉब का एक ही ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें एज लिमिट जो है काफी कम है, 21 से लेकर 25 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट OBC कैटेगरी वाले 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और SC ST वाले 30 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही छोटा सा इसमें ड्रॉबैक है, वरना काफी अच्छी वैकेंसी इसमें आती है और इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो। बाकी कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, सिंपल सा अगर आपका ग्रेजुएशन पास है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही छोटा सा अपडेट आपको देना था, आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।